राजस्थान की राजनीति में तीसरा सबसे बड़ा दल भारत आदिवासी पार्टी अब लग रहा है कि 84 और सलूम्बर के साथ साथ एक और विधानसभा तक अपनी पहुंच बनाता नजर आ रहा है। एक पत्र के माध्यम से एक समर्थन दिया है और कोशिश यह कि उसे एक उपचुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी की उपस्थिति दिखाई दे। यहां बात देवली उनियारा की हो रही है, जहां पर अभी उपचुनाव होने हैं और वहाँ जो राजनीति चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ एक तीसरा मोर्चा भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ता दिखाई दे रहा है। नाम होता है नरेश मीणा। तो ऐसे में अब भारत आदिवासी पार्टी ने एक पत्र के माध्यम से नरेश मीणा को अपना समर्थन दिया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार राजकुमार रोत भी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाते दिखाई दिए। वो कभी सीकर नजर आते, कभी जयपुर के किसी कोई विषय पर खड़े दिखाई देते, वो मरुधरा बाड़मेर उस तरफ के भी कई कार्यक्रम अटेंड करते नजर आते। तो उनकी एक कोशिश थी कि अपनी इस पार्टी के प्रभाव को और भी क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। तो अब ऐसे में देवली उनियारा में जो ये मुकाबला चल रहा है, यहां पर भी भारत आदिवासी पार्टी ने एक पत्र के माध्यम से जो समर्थन नरेश मीणा को दिया है, तो हो सकता है इसके बाद स्थितियां परिस्थितियां थोड़ी रोचक हो जाए। और उसका कारण यह भी, पत्र में क्या लिखा हो मैं आपको बताऊंगा, मगर उसका कारण यह भी होता है कि जब से ये चुनाव उपचुनाव की घोषणा हुई तब से नरेश मीणा लगातार कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे। अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रम और युवाओं की बड़ी संख्या के साथ वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे, मगर आखिरकार उनको वहां से अवसर नहीं मिलता है और उसके बाद वो वहां उस चुनाव में निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर जाते हैं। और जब वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरते तो कुछ नामों का जिक्र करते हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल का भी नाम होता है, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी का भी जिक्र आता है, जिसमें राजकुमार रोत का भी नाम आता है कि ये तमाम लोग अब मुझे समर्थन करेंगे। तब ऐसे में उस पूरे के पूरे चुनावी परिदृश्य में भारत आदिवासी पार्टी का एक पत्र समर्थन के स्वरूप में वहाँ पहुँचना अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत आदिवासी पार्टी को भी कहीं ना कहीं इस राजनीति में वहाँ पर कुछ न कुछ लाभ, परिणाम कुछ भी रहो, इनको लाभ मिलना तय है। तो जो पत्र लिखा गया है मोहनलाल रोत, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत आदिवासी पार्टी के, उन्होंने पत्र के माध्यम से ये कहा है कि देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने अपनी उम्मीदवारी के लिए हमारी पार्टी से समर्थन का आग्रह किया था। ये पत्र नरेश मीणा को लिखा गया। तो हम आपको सूचित करते हैं कि संविधान, लोकतंत्र, किसान, मजदूर, पर्यावरण और युवाओं को आवाज़, युवाओं की आवाज़ व अधिकारों की लोकतांत्रिक आवाज़ के लिए आपका समर्थन करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ऐतिहासिक जीत दर्ज करें, तो जीत की भी शुभकामनाएं दी है, उसके साथ लंबी चौड़ी अलग अलग भूमिकाएं बांधते हुए आखिर में आते आते उन्होंने अपना वहां समर्थन दिया है। तो अभी समर्थन के बाद ये देखने वाली बात यह होगी कि नरेश मीणा की राजनीतिक लड़ाई पर क्या कुछ फर्क पड़ता है। अगर वहां से वो लड़ाई मजबूत होती है, इस समर्थन के बाद कुछ उनके साथ और भी लोग जुटते दिखाई देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव भी, क्योंकि माना जाता है कि ये पार्टी मात्र वागड़ क्षेत्र में सिमटी हुई पार्टी है, तो यहां से अपने असर को और भी आगे बढ़ाती वो दिखाई देगी। यह भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में नरेश मीणा उस क्षेत्र में इस पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पर बड़ी मजबूती से आवाज़ बुलंद करते दिखाई दे, क्योंकि मुखर हैं, खुलकर बोलते हैं, युवाओं की अच्छी खासी संख्या उनके आसपास दिखाई देती है। तो अब ऐसे में इस पत्र के कई राजनीतिक मायने निकलते हैं। कुल मिलाकर जो अब चुनाव चल रहा था जिसमें कि त्रिकोणीय मुकाबला है, मगर नरेश मीणा को अब इन पत्रों के माध्यम से जो संबल मिल रहा है उसका कितना असर दिखाई देगा, इस एक पत्र के माध्यम से जो अपनी पहुँच अब भारत आदिवासी पार्टी भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाती है, उसका क्या कुछ परिणाम निकल कर आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। मगर यहाँ से अब यूं माने कि भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपने उस क्षेत्र के कुछ दायरों को तोड़कर आगे बढ़ने की सोची और एक पत्र के माध्यम से अब देवली उनियारा के चुनाव में भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाती नजर आएगी। तमाम उठापटक पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।